अली भाई, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनको साथ बैठा के उनके पुराने कार्ड बने होते हैं तो वीडियो बना देता हूँ, ऐसी तो नहीं कोई बात? शाह साहब, उनके लिए यही है कि जो बंदा कन्फ्यूजन का शिकार है ना, आप मेरा कोई चीज़ ना छुपाएं, मुझे कोई इशू नहीं है, डेट फोटो कब इशू है कब तक है आप शो कर सकते हैं, ताकि जो जी दोस्तों आपके सामने ये मैं एप्लीकेशन शो करवा रहा हूँ, जो कि हमने इनकी फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेशन अप्लाई की थी रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर। ये आप बच्चे की भी देख सकते हैं, प्राइवेसी की बिना पर पूरी फैमिली की शो नहीं करवा सकता, बच्चे की और वालद साहब की आप देख सकते हैं हमने कब अप्लाई किया था। ये आपके सामने उनकी अप्रूवल है और अप्रूवल भी आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आप हर चीज़ साहब के सामने है, बकायदा एप्लीकेशन नंबर तक इस दफ़ा हमने हाइड नहीं किया। और मैं आगे आपको वीडियो में इंशाल्लाह पूरे कार्ड भी दिखाता हूं जो कि सिंपल रेंटल एग्रीमेंट पर बने हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और ये लोग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से टर्की आए हैं, पहली दफ़ा और इनके कार्ड बने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मेरे साथ पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं, जो आप अली भाई पहली दफ़ा आए हैं टर्की या पहले भी आ चुके हैं? नहीं शासम, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा जी, ये पहली दफ़ा आए हैं। जो लोग कहते हैं कि जो पहली दफ़ा आता है टर्की उसका टूरिस्टिक कार्ड नहीं बनता, तो ये एक मिसाल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये भाई का कार्ड बना, ये आपको बताएंगे कि इन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है या कैसे। अली भाई, कैसे बना कार्ड आता है? जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब के देखने वालों, मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस्तांबुल, तो मुझे शाह साहब का नंबर मिला, मैंने इनसे रबता किया, गुस्सा आया हूँ शाह साहब के पास, तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि मुझे ये दरकार टीआरसी चाहिए, इन्होंने बोला आप गुस्सा आ जाए, तो मैं गुस्सा डायरेक्ट इनके पास आया हूँ, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके दिया मुझे, उन्होंने उसका एग्रीमेंट करवाया मेरे नाम, तो इन्होंने एप्लीकेशन डाली है मेरी टीआरसी, अपॉइंटमेंट आई है मेरी। अली भाई, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनको साथ बैठा के उनके पुराने कार्ड बने होते हैं तो वीडियो बना देता हूँ, ऐसी तो नहीं कोई बात? शाह साहब, उनके लिए यही है कि जो बंदा कन्फ्यूजन का शिकार है ना, आप मेरा कोई चीज़ ना छुपाएं, टीआरसी की मुझे कोई इशू नहीं है, डेट फोटो कब इशू है कब तक है आप शो कर सकते हैं, ताकि जो समझते हैं ना कि मिडिल फैमिली के लोग इधर आ कर सेटल होना चाहते हैं या जो भी मामला है, उनको कोई भी बंदा ना, मेरा तो यही ख्याल है कि उसको कन्फ्यूजन उनकी दूर होनी चाहिए, कन्फ्यूजन भी और उनकी हेल्प होनी चाहिए कि थोड़े पैसों में आप टीआरसी बनवा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत, प्रॉपर्टी बिल्कुल। वल्ला मैंने पहली दफ़ा शाह साहब से एक वीडियो इनकी मैंने यूट्यूब पर देखी है, तो वो बंदा बोल रहा था कि जी प्रॉपर्टी के अलावा नहीं बनती, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये अब्दुल वली साहब जो हैं, इनके बच्चे जी साथ, फैमिली भी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह आई है, तो पूरी फैमिली के कार्ड बने हैं। ये कार्ड आप अपना दिखाएं और अब्दुल वली का भी दिखाएं। ये शाह साहब मेरे बेटे का कार्ड है अब्दुल वली का। जी जी, ये इसकी वेबसाइट है। हाँ, डेट भी इस पर शो हो रही होगी भाई, अभी बनकर आए हैं, ताज़े कार्ड अभी तो लिख रहे हैं। ये मैंने कल रिसीव की है पी टी टी ऑफिस, जो इनका पोस्ट ऑफिस है तुर्की का, ये मेरा कार्ड है। सही है, तो ये उन लोगों के लिए जो है वो एक मिसाल है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया से आप पहली दफ़ा आए हैं तो आपका पहली दफ़ा कार्ड नहीं बनेगा, दो तीन दफ़ा आएंगे तो फिर कार्ड बनेगा। नहीं सर, मेरा शाह साहब कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया मैंने, वो कार्ड मिला मुझे कोई इस तरह का। और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे तो कार्ड नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल सिंपल रेंटल एग्रीमेंट पर बन रहे हैं। हाँ, शर्त ये है कि आपका काम सही वे में हो, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो, उसमें कोई फेक चीज़ें ना लगी हों, तो तकरीबन 90% कार्ड जो है वो एक्सेप्ट होता है। बिल्कुल, अगर आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन करने वाला या वो उसमें कोई फॉल्ट रह गया तो फिर डेफिनेटली रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, तो जी बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने टाइम दिया। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपकी एप्लीकेशन की डेट वगैरह दिखा दूँगा। सही है, चलिए।